नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेट। पुलिस कप्तान के ऑपरेशन प्रहार के तहत सदर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गौवध हत्या के आरोप में फरार चल रहे 5 आरोपियों को पुलिस व स्वाट टीम ने किया गिरफ्तार। अमीर दीपक अबू आकाश सहित गुड्डू उर्फ राशिद को रात 2 बजे किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 1 देसी तमंचा, कारतूस सहित 1 गाड़ी व 5 किलो गांजा भी बरामद किया है। उन्नाव के थाना बिहार थाना मोराबा व कोतवाली सदर क्षेत्र में कई घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। समाचार टू जेट के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। यह बता दें, एसपी सर द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस को बहुत अच्छी कामयाबी मिली है और गोवध अधिनियम के तहत फरार चल रहे 5 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 1 तमंचा, 12 होर कारतूस, 5 केजी गांजा और 41 गाड़ी ही बरामद हुई है। ये लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, निष्ठादी कार्रवाई भी की जाएगी। कहाँ कहाँ ये घटना को अंजाम देते थे? ये थाना बिहार से, मोरावा से और कोतवाली से वांछित थे और कई घटनाएं इन्होंने कई जगह करना बताया है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, शीघ्र ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस पुलिस टीम को कोई प्राइज दिया गया है? हाँ, ये एसपी सर द्वारा अच्छे कार्य को देखते हुए 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार टीम को प्रदान किया गया है। क्या बरामद हुआ है इनसे? 1 तमंचा, 12 बोर कारतूस, 5 केजी गांजा और 1 40 कार बरामद हुई।